हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा वीवो वाई 200 5G फ़ोन है, तो वीवो वाई 200 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर कैसे अपने फ़ोन में वाईफाई की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं अपने फ़ोन में, और वाईफाई प्रॉब्लम्स को आप कैसे ठीक कर पाएंगे फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर। तो आज हम बताने वाले हैं कि वाईफाई की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे कर सकते हैं और कैसे कर पाएंगे वाईफाई की प्रॉब्लम्स को सॉल्व अपने वीवो फ़ोन में। बताने वाले हैं, तब से आइकन शो हो रहे हैं तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन, सेटिंग्स पे जाना है, जिस पे जाकर फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर वाईफाई की प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकते हैं और वाईफाई प्रॉब्लम को ठीक भी कर सकते हैं अपने फ़ोन में। सिंपली देख सकते हैं कि सेटिंग शो हो रही है, तो आपको सिस्टम सेटिंग्स पे जाना है, जहाँ से आपको रीसेट ऑप्शन से देखने को मिल जाता है, जिसमें से ओपन कर लेना, जिसका आप यूज़ करके फ़ोन में वाईफाई की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। सिंपली इस पे जाते हैं, फिर आप सिंपली इस पे क्लिक कर देंगे, क्लिक कर दिए एंड पासवर्ड डाल देंगे, तो जो भी वाईफाई और नेटवर्क सेटिंग्स से आप रीसेट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, और इस पे क्लिक करके वाईफाई की और नेटवर्क सेटिंग्स को कुछ इस तरीके से आप रीसेट कर सकते हैं, और रीसेट करके वाईफाई की जो भी प्रॉब्लम है आप सॉल्व कर पाएंगे और वाईफाई प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं अपने फ़ोन में कुछ इस तरीके से, यहाँ से नेटवर्क सेटिंग्स को रीसेट करके। तो इस तरीके से वाईफाई की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं नेटवर्क सेटिंग्स को रीसेट करके, और आप चाहें तो ऐप परफॉर्मेंस सेटिंग्स भी रीसेट कर सकते हैं, और ऑल सेटिंग्स को रीसेट करके भी वाईफाई की प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकते हैं अपने लावा फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।